Hello, Bacho. Let's read this question. The question says: Four gram of graphite is burnt in bomb calorimeter of heat capacity thirty kilojoule per kelvin in excess of oxygen at one atm pressure. The temperature rises from three hundred kelvin to three hundred four kelvin. What is the enthalpy of combustion of graphite in kilojoule per mole? Option A is three hundred sixty. Option B is one thousand four hundred forty. Option C is minus three hundred sixty. Option D is minus. उजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर की तो बॉम्ब कैलोरी मीटर जो होता है हमारे पास वो यूज होता है टू कैलकुलेट हीट रिलीज और ऑब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट रिलीज और ऑब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास होता है डेल्टा यू के बराबर और डेल्टा यू क्या है डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी राइट और हीट अब्जॉर्ब और रिलीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है वो हमारे पास होता है चेंज इन नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इसमें क्वांटिटी ऑफ हीट जो कैलोरीमीटर ऑब्जॉर्ब करेगा वो किसके बराबर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूज टू सीवी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा Q इज इक्व टू सीवी इंटू डेल्टा टी के बराबर राइट right. अगर हम लोग बात करते हैं जो क्वांटिटी ऑफ हीट क्वांटिटी ऑफ हीट तो हमें मिलेगी रिएक्शन से वो क्या हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज फ्रॉम रिएक्शन वो बेसिकली हमारे पास इक्वल इन मैग्नेट्यूड होगी टू द हीट अब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर बट उसका साइन जो होगा हमारे पास वो ऑपोजिट होगा यानी ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस सी वी डेल्टा टी के बराबर राइट right? सीवी कितना है हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा कितना सीवी है हमारे पास थर्टी किलो जूल पर केल्विन जो माइनस थर्टी किलो जूल पर केल्विन इनटू टू डेल्टा टी डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड फोर माइनस थ्री हंड्रेड कितना आ जाएगा फोर केल्विन के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस किलो जूल के बराबर अब ये हमारे पास बेसिकली क्या है ये हमारे पास है डेल्टा यू जो हमारे पास कंबसन हुआ है चार ग्राम ऑफ ग्रेफाइट का उसके लिए ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ डेल्टा यू फॉर कंबन ऑफ फॉर कंबन ऑफ फोर ग्राम ऑफ ग्रेफाइट कितना है ये हमारे पास ये है माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी किलो जूल हमारे पास आ जाएगा या आ जाएगा माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी किलो जूल राइट ये हमारे पास चार ग्राम ऑफ ग्रेफाइट के लिए था राइट अगर हमें एक मोल ऑफ ग्रेफाइट के लिए निकालना हो तो क्या हो जाएगा तो हम लोग बेसिकली लिखेंगे इसको ऐसे कि ट्वेल्व ग्राम पर मोल इनटू टू माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी किलो जूल बाय फोर ग्राम ये हमने क्यों लिखा देखो एक ग्राम ऑफ ग्रेफाइट के लिए अगर मैं निकालना हो, तो क्या हो जाएगा वो माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी और हमें एक मोल के लिए निकालना है ना तो एक मोल में हमारे पास ट्वेल्व ग्राम होते हैं इसलिए ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी किलो जूल पर मोल ये आ गया क्या ये हमारे पास आ गया डेल्टा यू अब हमें निकालना है डेल्टा एच क्योंकि हमें बोला था इंथेपी ऑफ कंबाशन निकालने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा एच की तो डेल्टा तो बेसिकली डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी आर टी डेल्टा एन जी क्या है हमारे पास डेल्टा एनजी नंबर ऑफ गैश मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैश मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स राइट अगर हम लोग देखें ग्रेफाइट का हमारे पास कम्बशन होता है तो हमारे पास कार्बन क्या होता है कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट ऑक्सीजन हमारे पास गैश स्टेट में होती है और हमारे पास रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइट तो डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा इसके लिए डेल्टा एनजी विल बी वन माइनस वन इज यानी इसके लिए हमारे पास जो डेल्टा एनजी आएगा वो जीरो आएगा यानी डेल्टा एच इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा यू विच इज directly equals to minus 360 kilojoule per mole right so coming back to the question correct answer for this question will be option c i hope you understood it well thank you and all the best